जनपद हापुड़ के थाना हापुड़ कोतवाली क्षेत्र की मोदीनगर रोड पर स्थित फ्लाईओवर के पास सब्जी की दुकान करने वाले दुकानदार का आरोप है कि एक युवक उसके यहां नकली नोट लेकर पहुंचा और नकली नोट चलाने का प्रयास किया, जिसके बाद उसने युवक को दबोच लिया और पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। कुलदीप ने बताया कि मोदीनगर रोड पर स्थित फ्लाईओवर के पास उसकी सब्जी की दुकान है। मामला रविवार की रात का है, जब एक युवक उसके पास 100 रुपये का नोट लेकर पहुंचा। दुकानदार का दावा है कि वह नकली था। कुलदीप ने बताया कि युवक की जेब में 200 का भी एक नकली नोट मिला। शोर सुनकर आसपास मौजूद लोग इकट्ठा हुए और युवक को दबोच लिया। मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर युवक को हिरासत में लेकर जांच शुरू की। वारदात कुछ नहीं है, नकली नोट लेकर आया था, सामान ले रहा था मेरे से, 100 का नोट। अब मैंने वो नोट चेक करा तो नकली था, उसकी जेब में 200 का नोट और था, वो भी नकली था, और इसमें खुले पैसे भी थे, जिसको ये किसी को चला करके भी आया था। 90 एक निकले थे, खुले और रखते, सामान भी ले रखा था ना हाथ में, कुछ नहीं था। पुलिस वाले लेकर के आ गए थे सब्जी की दुकान में, मोदी रोड फ्लाईओवर उतरते ही।